जहाँ तक कहीं भी थोड़ी भी तनिक भी अगर हिंसा की बात आती है तो उसको जो है मैं उसका कभी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन वही अभय सिंह चौटाला यहाँ पर रोहतक में आकर ये कहते हैं कि जहाँ भी भाजपा या जसपा का जो सरकार का कोई भी नेता हो उसको क्या करोगे, तो पोल से बांध के उसके कपड़े उतार के पोल से बांध। देखिए मैं जैसे कहा कि मैं उनकी बात पे आप उन्हीं से पूछो, जहाँ तक मेरी बात है मैं अपनी बात ये कह सकता हूँ कि शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक और संवैधानिक रूप से विरोध का जो विकल्प है उस विकल्प को पुरजोर तरीके से किसान को, जो ऐसे लोग हैं जो किसान के प्रति आज ये दुर्भावना लेके चल रहे हैं, जो सरकार के अंदर सत्तासीन लोग हैं, जो दल हैं, उनको पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक रूप से संवैधानिक रूप से जो भी विकल्प आज किसान के पास उपलब्ध हैं उनका विरोध करने के लिए वो प्रजातांत्रिक और संवैधानिक विकल्पों का पुरजोर प्रयोग होना चाहिए। किसान वो एक जो है मैं समझता हूँ कि मगर अगर कहीं हिंसा की कोई बात आती है तो उस बात को कहीं अगर जो है मैं हिंसा की बात को मैं ठीक नहीं मानता। हाँ ये बात सही है कि सरकार की तरफ से जो जातियाँ हुई हैं 300-300 लोगों की जान कुर्बान होने के बाद भी उनकी खिल्ली उड़ाने का काम सरकार ने किया है, तो जो सरकार की तरफ से जो इस तरह का जो एक सरकार का एक रहा है, मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र में किसी चुनी हुई सरकार का ये बर्ताव भी मैं समझता हूँ कि जो है लोकतंत्र में असहनीय बर्ताव है, मगर फिर भी जो संविधान के लोकतंत्र के में के जो दायरे हैं उसी दायरे में रह के ये लड़ाई लड़नी होगी। इस सत्र में जो सरकार का रवैया रहा किसान आंदोलन की के विषय पे चाहे बात रखी हो, हमने बार बार सरकार का ध्यान इस ओर लेके जाने की कोशिश हमने करी मगर सरकार टस से मस नहीं हुई, अपने स्टैंड पे कायम रही और एक असंवेदनशीलता और निर्दयता की जो हदें होती हैं वो सरकार ने पार करी। यहाँ तक कि सरकार के सबसे जूनियर मंत्री की तरफ से भी पूरे सत्र में 3 शब्द भी नहीं निकले संवेदना के, एक शब्द भी संवेदना का शब्द, एक वाक्य कोई संवेदना का जो 300 के लगभग किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी 4 महीने से इस किसान आंदोलन में, उनके परिजनों के प्रति कोई सहानुभूति या कोई शब्द निकले, वहाँ तक भी सरकार नहीं आई।